सुबह के बज के हैं 6, हम जा रहे हैं कोनिया के लिए। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज के हैं 6, हम जा रहे हैं कोनिया के लिए। होटल से करना है चेकआउट और सामान वगैरह हमारा रेडी है, तो हम निकलते हैं अब रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ से लेंगे अपनी ट्रेन और जाएंगे कोनिया, तो आप भी हमारे साथ चलें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम पहुंच गए हैं तुर्की तुर्की कोनिया में। कोनिया सिटी का नाम है, वो किसी ज़माने में बड़ी मशहूर रही है। और यहाँ पे हम आए हैं मौलाना रूमी के दरबार पे। प्लान के मुताबिक मैंने आपको कल बताया भी था, हम ट्रेन की टिकट ले आए थे कल ही, और हम पहुंच गए हैं मौलाना रूमी के दरबार पे। और अब ये हम इस टाइम रेलवे स्टेशन पर, अब बाहर जाएंगे और आपको दिखाता हूँ कि पहले तो यहाँ से टैक्सी लेनी है, और टैक्सी लेने के बाद हम जाएंगे होटल। होटल से थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे मौलाना रूमी के दरबार पे, क्योंकि दिन हमें ज़ाया नहीं करना, जितनी थोड़े से दिन है। और मेरी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ, वो कवर करके आपको जितना मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ वो दिखा दूँ। तो हम बाहर चलते हैं, लेते हैं टैक्सी और चलते हैं अपने होटल की तरफ। नहीं जनाब, हम आ गए हैं कोनिया में, और कोनिया में हमें ये VIP से कमरा मिला है, और रूम नंबर 307 है। तो हम इसको खोलते हैं। कमरे का व्यू है, मकबूल से पैसों में अच्छा कमरा मिल गया। लोकेशन इसकी भी अच्छी है, आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलेगा तो ये व्यू है, और ये सामने मौलाना रूमी की मॉस्क है, और उसके साथ यहाँ से तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। मौलाना रूमी का दरबार है, और रूम का आप व्यू देख ही रहे हैं, नॉट बैड, अच्छा रूम है, और 3 स्टार 4 स्टार है ये। तो रूम रेंट जो हमने दिया है वो दिया है तकरीबन पाकिस्तानी 3,000 रुपया एक दिन का। तो बाकी बाहर चलते हैं, काफ़ी भूख लगी है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, तो बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में हम क्या खाने वाले हैं।
Can I be your superhero? जी जनाब, नाश्ते की टेबल पे हम तैयार हैं। नाश्ता अपना ले आए हैं और बिल्कुल रेडी है नाश्ता। मैं तो कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आ गए हैं कोनिया में। बटरफ्लाई पार्क है यहाँ पे और अंदर चलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं आपको बटरफ्लाई पार्क में आपको क्या देखने को मिलेगा। एक्साइटमेंट मुझे भी है, वो आई होप आपको भी हो। देखते हैं कि अंदर वाली साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है। अभी लेते हैं टिकट, यहाँ से बताता हूँ टिकट कितने की है और अंदर किस तरह का व्यू है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं अंदर की तरफ। नहीं जनाब, डायनासोर कह रहा हूँ। ये आ गए हम बटरफ्लाई पार्क में। इनसाइड उन्होंने हमें पहले बता दिया हुआ है कि यहाँ पे बटरफ्लाई नहीं है, तो लेकिन अगर फिर भी आप अंदर जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम आ गए हैं अंदर क्योंकि आदत से मजबूर हैं, देखना चाहते थे, इतनी दूर से आए थे, तो देखते हैं। बटरफ्लाई पार्क में अंदर गर्मी काफ़ी है और मज़े तो बहुत आ रहे हैं। मज़े इस लिहाज से बहुत आ रहे हैं कि बाहर टेम्परेचर है -6 -8 टेम्परेचर और अंदर जो टेम्परेचर है वो मेरे ख्याल में 38 या 39 होगा और काफ़ी गर्मी है। गर्म कपड़े पहने हुए तो दिल तो कर रहा है इस टाइम एक निकर और शर्ट हो, लेकिन बाहर का मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही कपड़े हैं। तो ऐसा मौसम हमें मिला था, चाइना से हम वापस आ रहे थे श्रीलंका में, नवंबर या दिसंबर का महीना था और जिस टाइम श्रीलंका में आए, चाइना में काफ़ी सर्दी थी, श्रीलंका में आए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर मज़ा तो बहुत आ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें। हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस पार्क में और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए हमारे साथ रहिए। जनाब गर्मी यहाँ पे इस कदर है कि मेरा दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है ना यहाँ से बाहर निकल लिया जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये
पार्क दिखा दिया होगा। ये भाई पार्क की देखभाल के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे थाउजेंड से भी ज़्यादा किस्म के फ्लावर्स लगे हुए हैं और हैं इनमें भी ये क्या नाम होते हैं डिफरेंट जो है ना कंट्री से लाए गए यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और ये बटरफ्लाई हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हुई हैं लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियली तौर पे यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा जी, जब से हम एंटर हुए हैं सिर्फ अभी तक एक ही जानवर नज़र आया जो है पैरट। तो पैरट ही देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई। वो भी हमसे नाराज़ हो के अंदर ही चला गया, बाहर आ रहा था। कोशिश करते हैं इसको बाहर बुलाने की, भाई आ जाओ यार, तुमको देखने के लिए आए हैं, आ जाओ। लेकिन ये भी नाराज़ है, ये भी नहीं आने के लिए तैयार। तो चलते हैं बाहर की तरफ ही क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया हुआ। जनाब ये है सिनेमा और हम जा रहे हैं बाहर लॉबी की तरफ ही। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, थोड़ा बहुत ऐसी चला सुकून हो गया, तो वेदर यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लेंगे एक दो फोटोग्राफ्स और वो बाद में शेयर करेंगे अपने लिए। इन्होंने अंदर ही गिफ्ट सेंटर बनाया हुआ है जिसमें हर चीज़ बटरफ्लाई टाइप की है जो आपको बटरफ्लाई के रिलेटेड ही मिलेगी। तो यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता, मतलब थोड़ी सी ज्वेलरी है उसमें भी बटरफ्लाई इन्होंने डाले हुए हैं, की चेन वगैरह। रात के टाइम इस तरह से व्यू होता है इसका और मैं आई होप जितना के दिखा सकूँ आपको अच्छा से दिखा सकूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से हमारा प्लान है डायनासोर पार्क, अगर आई खुला हुआ तो हम उस तरफ जाते हैं।
टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है बेचारा बाहर गाड़ी में हमारा एक बंदा इंतज़ार कर रहा है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके आपको दिखा सकूं। तो आई होप मैं इन चीज़ों में कामयाब रहूं, अगर कुछ रह जाए तो मैं उसके लिए अभी से आपसे भाइयों से माजरत कर लेता हूं। तो ये व्यू बहुत मज़े के हैं यार, दिल नहीं करता है इन जगह पे आके थोड़े से टाइम दे के बाद जो है ना निकलें। सारी चीज़ों के पैसे होते हैं व्यू के, और व्यू बहुत मज़े के हैं। आई होप कि मेरी ये तमाम कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि मैंने थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो अब चलते हैं बाहर की जाने, और करते हैं अपने नेक्स्ट जगह जाने की तैयारी। यहाँ से सैनिटाइज़र इनका ले लेते हैं। हम आए थे जी कुनिया में डायनासोर पार्क में, और बैड लक हमारी ये है आज मंडे है और फिर भी हमें ये क्लोज मिला। तो चाहता तो मैं ये था कि आपको अंदर से दिखाऊं ये किस तरह का है, तो बैड लक कह लें हमारी। और अब हम जाएंगे वापस अपने होटल की तरफ, और इससे होटल जाने से पहले कोशिश होगी कि हम रेस्टोरेंट जाएँ और वहाँ से कुछ खाना खा लें। तो यही है, अब डायनासोर पार्क तो अंदर जा नहीं सकते, तो पीछे थोड़ा बहुत ये पाउंड है जिसको आप कह रहे हैं, ये व्यू देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं होटल की तरफ, आप भी हमारे साथ चलें।